सब्सक्राइब करिएगा थॉट्स बिकम सक्सेस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे थॉट्स बिकम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूं। दोस्तों हम इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। हम अभी तक आपको सीटेट से पेडागॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए हैं, और साथ ही कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी। आप नहीं देखे हों तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं। हमारे चैनल के ज़रिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस अपलोड करें ताकि आपके सीटेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। हम जो बेसिक ग्रामर आता है सीटेट में उससे रिलेटेड भी एक स्पेशल से वीडियो बनाएंगे, और साथ ही कॉम्प्रिहेंशन ऑन प्रोज एंड पोएट्री दोनों पर भी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई नया है तो ज़ोर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो उर्दू पेडागॉजी से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस जो कि हिस्टेट यूपी टेट में किसी ना किसी टेट में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर से एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल रहा, प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद है। प्राइमरी दर्जात में यानी प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उसमें लैंग्वेज की तालीम लैंग्वेज की एजुकेशन देने का बुनियादी मकसद क्या है। पहला ऑप्शन रहा, बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू बोलना लिखने और इदरा की पहलू पढ़ाने सिखाने की सलाहियत वहाँ पहुँचाना। ऑप्शन बी, बच्चों के अंदर मुंतखी और इस्तेदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना, नशोनुमा के माने होते हैं उनमें डेवलप करना उभारना। ऑप्शन सी, बच्चों के अंदर छुपे तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना। ऑप्शन डी, ज़बान की इब्तदाई नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मदारिज से बच्चों को वाकिफ कराना। इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन ए है, बच्चों के अंदर जो है बोलने लिखने और साथ ही पढ़ने सीखने की सलाहियतें फराहम करते हैं प्राइमरी दर्जात में, क्योंकि यहाँ पर आपको सेकंड में दिया गया है कि मुंतकी और इस्तेदलाली गौर फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना। प्राइमरी दर्जात में ऐसा नहीं होता, पहले आपको बोलने लिखने और पढ़ने सिखाने की महारत को सलाहियत को फ़रोग देते हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन आकर ए रहा। अगला सवाल रहा, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें होनी चाहिए, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त उनकी जो टेक्स्ट बुक किताबें होती हैं कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आकर बड़े प्रिंट की, यानी जो किताबें हैं उसमें प्रिंट बड़े बड़े हरफों में हों। और बी ऑप्शन रहा, बहुत छोटे प्रिंट की, या फिर ऑप्शन सी रहा, प्रिंट साइज़ कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी रहा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस अगर डी और सी बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि प्रिंट का साइज़ भी को भी ध्यान रखा जाता है ज़रूर से किताब बनाते वक्त, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ये भी गलत है। और बी ऑप्शन बहुत छोटे प्रिंट की ये भी गलत है, और सही ऑप्शन आकर ऑप्शन ए रहा, बड़े प्रिंट की किताबें होनी चाहिए। अगला सवाल रहा, स्कूल का मजबूत खम्बा किसे कहा गया है। स्कूल का मजबूत खम्बा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए रहा, उस्ताद को। ऑप्शन बी, तालिबे इल्म को। ऑप्शन सी, दरसगाह को। ऑप्शन डी, प्रिंसिपल को। ये भी डायरेक्ट आंसर रहा, इसमें तालिबे इल्म को ही, स्टूडेंट्स को ही स्कूल का मजबूत खम्बा कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, तालिबे इल्म को। अगला सवाल रहा, मारूजी तरीक़े इम्तहान से किस तरह का नतीजा बरामद होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम से किस तरह का नतीजा आता है, किस तरह का रिज़ल्ट आता है। इसमें पहला ऑप्शन रहा, दुरुस्त और काबिल एतबार। ऑप्शन बी रहा, गलत और नाकाबिल एतबार। ऑप्शन सी रहा, जवाब में इख्तिलाफ राय होता है। इख्तिलाफ के माने होते हैं डिफरेंसेस, जवाब में जो है ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ऑप्शन डी रहा, इसमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, और साथ ही ऑप्शन बी भी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है दुरुस्त और काबिल एतबार का रिज़ल्ट बरामद होता है,
रिज़ल्ट आता है। तो ऑप्शन ये सही रहा, दुरुस्त और काबिल एतबार। अगला सवाल रहा, जांच के ज़रिए तालिब इल्म को पता चलता है कि। सवाल को अच्छा सा पढ़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है जांच के ज़रिए तालिब इल्म को पता चलता है कि, यहाँ मौलिम को कोई नहीं बल्कि जांच एवोल्यूशन करने से एक स्टूडेंट को क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन ए रहा, तालिब इल्म अपनी कमियों को जान लेता है। ऑप्शन बी, तालिब इल्म दर्ज पढ़ाई में मुकाबला करता है। ऑप्शन डी, तालिब इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी बातों को जान लेता है। सही ऑप्शन आकर ऑप्शन डी है, ऊपर की सभी बातों को जान लेता है, अपने में सुधार भी ला लेता है, कमियों को जानता है और पढ़ाई में भी मुकाबला करता है। अगला सवाल रहा, मुल्क राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा गया है। मुल्क राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन रहा वालिदैन को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी उस्ताद को, ऑप्शन डी तालिबे इल्म को। इसमें से वालिदैन को तो नहीं और साथ ही समाज को भी नहीं, और सी ऑप्शन सही है, उस्ताद को कहा गया है राष्ट्र बनाने वाला कहकर, क्योंकि हर तबके से लोग, समाज में जो भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो पूरे बच्चे आकर स्कूल को ही आते हैं। उस्ताद चाहे तो उन बच्चों को एक अच्छा शहरी भी बना सकता है और चाहे तो वो बिगाड़ भी सकता है। तो इस तरह मुल्क राष्ट्र को बनाने वाला जो है उस्ताद को कहा गया है। अगला सवाल रहा, इब्तदाई दर्जात में पढ़ाने और लिखाने सिखाने का बुनियादी मकसद होता है, यानी इब्तदाई दर्जात में जो पढ़ने और लिखने को सिखाते हैं उसका बेसिक मकसद क्या है, ये पूछा गया है सवाल में। ऑप्शन ये रहा, तलबा शेर व अदब के हुस्न व खबीये में तमीज़ कर सकें। ऑप्शन बी, मुसन्नफ़ के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ़ या इत्तेफाक कर सकें। ऑप्शन सी, तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सकें। ऑप्शन डी, तलबा अपनी ज़हनी क़ुव्वतों और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी एबिलिटी सोच रही हैं उसको परवान चढ़ा सकें। क्वेश्चन में जो है आपको इब्तदाई दर्जात में पढ़ने लिखाने सिखाने का बुनियादी मकसद पूछा गया है, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन किया है कि इब्तदाई दर्जात कहकर। तो इसमें सही ऑप्शन आकर सी रहा, तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सकें, इसीलिए पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तकरीर यानी बोलना और तहरीर लिखना दोनों में महारत के लिए ही सिखाते हैं, यही उसका बुनियादी मकसद है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, आपको पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।